Sufism in Kashmir has its roots dating back to Hazrat Bulbul Shah R.A. However, the Sufi saint who led a profound impact on the lives of people in Kashmir and shaped their culture was Mir Sayyid Ali Hamadani R.A. These disciples traveled to each part of the state to propagate his mission. In modern age, efforts are on to spread the Sufi tradition among the youth and promote peace and brotherhood. An Islamic conference for peace and brotherhood was recently held in Beerwah area of Budgam district with an aim to boost brotherhood among all communities. आपस में इतनी मोहब्बत पैदा करो कि सारी दुनिया में पैगाम जाए कि एतिकाद मोहब्बत का नाम है और इस मोहब्बत के परचम के साए तले हम सबको जमा कर सकते हैं इसमें किसी को इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं है और अगर हम इस जो नौजवान नस्ल में दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है रुझान मैं तो ये कहूंगा कि आज के इस बीरवा की कॉन्फ्रेंस को मैं इस चीज की मुबारकबाद देता हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारे दुनिया में ये पैगाम फैल जाएगा Many Islamic scholars speak about how to create peace and brotherhood in the valley. The event was attended by a large number of people from nearby districts also. Puri duniya mein नफरत को आम किया जा रहा है और नफरत का पैगाम दिया जा रहा है इंसानों को इंसानों से दूर करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है बड़ी सरमाया गुजारी हो रही है और उसके लिए दीनी लिबास पहने हुए लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं मिंबर इस्तेमाल हो रहे हैं नमाज जुमे के खुतबे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि नफरत आम हो इंसानियत एक दूसरे गिरेबान हो और उसमें भी एक बड़ा इंटरनेशनल माफिया इन्वॉल्व है जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी बड़ी बड़ी लॉबी इन्वॉल्व है और पूरी दुनिया में वो इंसानों को पाक इंसानों का आपस में दस्तो गिरेबान करना चाहते हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम पूरी दुनिया में वही अपने पैगंबर का मोहब्बत का पैगाम इंसानों को इंसानों के साथ साजगार करने का पैगाम उल्फत का पैगाम The locals said that such conferences are of great importance as they educate the youths about the real Islam and its teachings and importance of Sufism. ये वो जगह है कश्मीर कि यहाँ पर हम अमन आश्ती का पैगाम देंगे इंशाअल्लाह रहमान हम ये मैसेज पूरी दुनिया को देंगे कि कश्मीर में वो लोग नहीं रहते हैं जो एक दूसरे के कातिल हैं क्योंकि हमारा जो कुरान शरीफ है उसमें लिखा इन्नमल मुमिना इख्वा They said that such conference should be held more often in future so that hatred among people be removed by Islamic teachings and Sufism. Sufism is considered as a moderate faction of Islamic teaching which preaches peace and brotherhood.